लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए सपाटा न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यदि दोषी साबित हुए सलमान तो जानिए कितने साल की हो सकती है जेल। जोधपुर की कोर्ट आज फिल्म अभिनेता सलमान खान समेत 5 सितारों की किस्मत पर फैसला करने वाली है। यह मामला काले हिरणों के शिकार का है, जिसमें 20 साल बाद निचली अदालत का फैसला आने वाला है। इस मामले में सलमान का क्या होगा? क्या बाकी के 3 मामलों की तरह बरी होंगे या फिर होगी सजा? बॉलीवुड से लेकर जोधपुर तक इसी बात गहमा गहमी है। जानकारी के मुताबिक इस केस में कोर्ट यदि सलमान सहित सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाती है तो वो वन्य जीव संरक्षण की धारा तहत कम से कम 3 साल या अधिकतम 7 साल की जेल की सजा हो सकती है। इस एक्ट में इस घटना के बाद संशोधन किया गया है। पहले कम से कम 1 साल और अधिकतम 6 साल की जेल का प्रावधान था। यदि सलमान खान सहित अन्य आरोपियों को 3 साल से अधिक की सजा होती है तो उन्हें हर हाल में जेल जाना पड़ेगा। सेशन कोर्ट में अपील दायर कर सजा सस्पेंड करानी पड़ेगी, लेकिन जब तक सेशन कोर्ट में सजा सस्पेंड नहीं होगी तब तक जेल में ही रहना पड़ेगा। यदि सभी आरोपी बरी हो जाते हैं तो राजस्थान सरकार इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकती है। वहीं यदि सलमान खान सहित सभी आरोपियों को 3 साल की सजा सुनाई जाती है तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। उसी कोर्ट में बेल बॉन्ड भरकर सजा सस्पेंड करा सकेंगे, लेकिन अगले 30 दिन में अपीलेट कोर्ट यानी सेशन कोर्ट में सजा सस्पेंड करानी पड़ेगी। इससे पहले 3 मामलों में सलमान खान को बरी किया जा चुका है, हालांकि मामला हाई कोर्ट में भी है। बताते चले कि 1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने के आरोप लगे थे। केस में उनको गिरफ्तार भी किया गया था। सलमान खान को 5 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। 22 सितंबर 1998 को उनके कमरे से पुलिस ने एक रिवॉल्वर और राइफल बरामद की थी। उन्होंने कोर्ट को यह बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ